हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में फिर आपका स्वागत है। अभी एक वीडियो शूट किया था जिसमें स्वामी गणेशानंद जी का इंटरव्यू दिखाया था। तो श्रीमान, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, चार चित्र आपके सामने आएंगे। ये वो उस मंदिर के का चित्र है जहाँ पे मैंने वो इंटरव्यू शूट किया था। ये मंधना स्थित मंदिर है, बनखेश्वर मंदिर ट्रस्ट, और वो गणेशानंद जी उसी मंदिर के महंत हैं। इसका पता वगैरह दिया है। ये बहुत ही एक श्रम जगह है जहाँ पर आप जाकर चैन से कुछ पल बिता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्रीमान, शहरी कोलासा हिल से दूर जब आप वनखंडेश्वर मंदिर के पास वाले एरिया में जाएंगे, उसी समय से आपको प्रकृति की सुंदरता का एहसास होने लगेगा। और चूंकि गंगा नदी बिठूर की पास में ही है, तो ये वातावरण आपके मन में धार्मिकता का भी संचार भर देगा, और एकांत और पेड़ पौधों का हरापन आपके मन को बेचैनियों से निश्चित ही दूर ले जाएगा। ये सर पैसेज है जिस पैसेज से होके वनखंडेश्वर मंदिर ट्रस्ट के गेट पर पहुँचा जाता है। तो केवल सर मंदिर दर्शन या ट्रस्ट में जाना यही आनंददायक नहीं है, पूरी जर्नी ही आनंददायक है, जो आपको मेरे शब्दों से उतना नहीं आनंद आएगा। अगर कभी आपको वहाँ जाने का मौका लगा तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। वीडियो के अगले हिस्से में स्वामी जी ने स्वयं इस जगह के विशेषताओं के बारे में बताया है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ। आप उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिएगा और फिलहाल प्रकृति का आनंद लीजिए। और अगर हो सके, ये सर ये ट्रस्ट का गेट है सर, काफी अच्छा वातावरण है, तो चलिए अब आप देखिए खुद ही। तो आप देखो नहीं नहीं उनका कभी तो वो ऐसे और अगर इससे जागरण अवस्था में अभी तो पक्का पक्का हो जाए, तो आप ये पक्का समझ लो कि हमारा जीवन ही बदल जाए। ये यज्ञशाला ये है, वो हाल है, प्रवचन हाल, ये प्रवचन हाल हो गया, ये हो गई आपकी वो कैंटीन हो गई, कैंटीन का हमने तो ले ही लिया था, ये यज्ञशाला हो गई, वो गेट हो गया, वो ऑफिस हो गया। ये स्वामी जी तो श्रीमान, इस जगह की खूबसूरती इस चीज में भी नहीं था कि बड़ी खूबसूरत और सुरुचिपूर्ण ढंग से बनाया गया है और भविष्य को ध्यान में रख के बनाया गया है। यानी कि रहने के स्थान भी एसी और नॉन एसी दोनों हैं, और कैंटीन तो बहुत भव्य है जहाँ पे आप सब्सिडाइज रेट पे खुद भी पा सकते हैं, और धर्म कर्म करना चाहें तो अन्य वंचितों को भी उसमें से एक शेयर दे सकते हैं। तो अगर आपका मन करे तो ऐसी जगह पे अपने परिवार साथ, बच्चों के साथ भी जाया जा सकता है, एक पिकनिक के रूप में भी श्रीमान जी इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो है, ये देखिए देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये रहने के लिए है श्रीमान। और ये एक आपका पिकनिक स्पॉट के तौर पे देखें तो भी ये बुरा नहीं है। इसमें गौशाला भी है, और शहर की झंझावात से हटके कुछ पल शांति के बीच, शांति के साथ प्रकृति की गोद में बिताना चाहें तो उसके लिए भी ये जगह अत्यंत उत्तम है। तो श्रीमान सोचिए नहीं, इसमें आपको एड्रेस मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, टेलीफोन नंबर मिल जाएगा। तो शहरी कोलाखल से दूर होकर कुछ समय जरूर बिताइए। और इसके बाद आगे स्वामी जी ने इस जगह का इतिहास और इसका धार्मिक महत्ता क्या है इसके बारे में बताया। ये सर सामने वो मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर है। तो चलिए यही मैं आपको छोड़कर जाता हूँ। अनुभव नहीं कर सकता, क्या मैं अपने स्वयं का त्याग कर सकता हूँ, या कि स्वयं को ग्रहण कर सकता हूँ अथवा अपने ऊपर ले सकता हूँ, तो मेरे बिना, मेरे अभाव में किसी का अस्तित्व संभव नहीं है। आज इस विषय को आप जा करके मनन करिए और अच्छी तरह से स्वयं से मनन करिए। आपके मैं चंद आशीर्वाद
आशीर्वचन ले सका, ये तो मेरा आज भाग्य था। लेकिन जो आपका ये स्वर्ण में वातावरण है, मेरे ख्याल से मैं तो इस बारे में ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछ पाऊँगा। अगर आप अपने शब्दों में प्लीज़ यहाँ के उसके बारे में बता सकें, किस तरीके से लोग यहाँ पे आके कुछ बेनिफिट पा सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से, प्लीज़ ये अगर बता सकें तो वही। ये स्थान ब्रह्मावर्त क्षेत्र में स्थित है, जैसा कि आप जानते हैं मदना एक जगह, मदना जगह पर है, और यहाँ पर भगवान का स्वयंभू शिवलिंग है। और ये जो मंदिर है उसका पुरातत्व विभाग आदि से सबसे सर्वेक्षण हो करके 250 वर्ष पुराना है। इसको सन 80 के दशक में हमारे प्रातः स्मरणीय स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज गुरुदेव, उन्होंने उनको ग्रामीण वासियों ने इसको दिया, तब से वो चिन्मय मिशन के संरक्षण में 1980 और इस समय वर्तमान समय में इसका संरक्षण परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी चिन्मय मिशन के प्रमुख कर रहे हैं। ये जो श्री बन फाउंडेशन महादेव मंदिर ट्रस्ट है उसके वो चेयरमैन हैं। आज जो इसका स्वरूप आया है वो हमारे ब्रह्मलीन स्वामी सुबोधानंद जी उत्तर भारत प्रमुख रहे, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी तरह इसको डिज़ाइन करके और पूरा वातावरण तैयार किया। हमारे गुरुदेव का एक विज़न था यहाँ पे, वो ये था कि जब लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो अपने रहने खाने का भार स्वयं व्यय कर सकें, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने यहाँ पर ये बनाया कि आकर रहें और अच्छी तरह से साधना करें और आश्रम उनको खाने पीने रहने की व्यवस्था। लेकिन अगर कोई कमज़ोर है और आता है तो वो भी रह सकता है। और इसमें ये हुआ कि बहुत मिनिमम पैसे पर यहाँ पर उन लोगों को रखने की व्यवस्था की, और साथ ही साथ एक आचार्य की नियुक्ति की गई, जो मैं आपको सामने बैठा दिख रहा हूँ, कि वो उनको वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कराए। इस समय वर्तमान में हमारे जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो इस रूप को दिया उन्होंने, तो वो हमारे श्री MS अग्रवाल और हमारे अन्य ट्रस्टीगण हैं। और अनेकों लोगों ने, नाम लेना कठिन है, कितने वर्षों में बहुत सारे लोगों के सहयोग से धीरे धीरे करके इस स्थान को तैयार किया गया। इस समय यहाँ पर करीब 100 लोग शेयर रूम्स में रह सकते हैं, कुछ AC कमरे भी हैं और कुछ जो हैं नॉन AC हैं, और यहाँ पर समय समय पर वेदांत का कोर्स चलता रहता है, तो पूरे भारत से लोग आ करके यहाँ प्रस्थानतरी पढ़ते हैं, वेदांत के ग्रंथ पढ़ते हैं। कर्म कांड के भी विद्यालय यहाँ चलता है, जो तो कोरोना के कारण अभी रुका हुआ है। 6 मास में हम यहाँ पर एक रोजगार परक कर्मकांड का कोर्स चलाते हैं, जिसमें पुरोहित तैयार होते हैं जो जा जा करके षोडश संस्कार करा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये बहुत ही शांत और भगवान स्वयंभू महादेव के निकट सनातन धर्म को लेकर के ये सेवा कार्य किया जा रहा है विगत 4 दशकों से, और आगे बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं यहाँ पर। एक वेदांत कोर्स की योजना है, दूसरा कर्मकांड की योजना है, तो इस तरह से ये यहाँ पर एक चिन्मय मिशन का एक प्रकल्प है वो चल रहा है, और चिन्मय मिशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। श्रीमान अलग तरह का वीडियो था, अवश्य ही आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके के छोटे छोटे कंटेंट वाली वीडियो देखना चाहें तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और सर फिर वही मेरी एक ही डिमांड आप लोगों से रहती है कि इसको थोड़ा सा प्यार से या जिस भी तरीके से अपने दोस्तों से, निकट संबंधियों से अगर सब्सक्राइब करवा दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ता है सर तो देखने में अच्छा लगता है। और इसी तरीके से आपको बिना किसी व्यावसायिक नीड के मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू साथियों।